नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 56। अब पेज नंबर 56 में आपको क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स को कैसे हम फॉर्म करते हैं। वी कैन फॉर्म वर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव्स, हम एडजेक्टिव से वर्ब बनाते हैं। एग्जांपल, लार्ज एंड लार्ज, एबल एनेबल, फ्रेश रीफ्रेश, मॉडर्न मॉडर्नाइज, और थिक थिकन। वर्ब्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स, और वर्ब्स इस तरह हम एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं, वर्ब्स नाउन से भी बनता है, जैसे फ्रेंड का बी फ्रेंड, फूल का बी फूल, ब्यूटी का ब्यूटीफाई, पीस का पेसिफाई, क्लास का क्लासीफाई। तो ये हमने नाउन से बनाया और यहाँ वाला हमने एडजेक्टिव से बनाया है। अब वर्ब्स में बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सम कॉमन प्रीफिक्सेस, इसके अलावा कुछ और प्रीफिक्सेस होते हैं इस तरीके से, उनसे भी हम बनाते हैं वर्ब। तो ये हो गया प्रीफिक्स, बी लगा देना, हेड लगा देना, बी हेड हो जाएगा, एन लगाना है करेज, एन करेज, उसी तरह एन लगाना है सर्कल, एन सर्कल, एन लगाना है श्योर, लगाना एन श्योर, इसी तरह एन डियर, एन डियर, यहाँ पर भी ऐसे लिटिल का बी लिटिल, डेंजर का एन डेंजर, जॉय का एन जॉय, नोबल का एन नोबल। ये हो गए एग्जांपल्स। अब उसके बाद देखिए, वर्ब्स में ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सुफिक्सेस टू ए वर्ड, ये हो गई आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी जो वर्ड्स के पहले हम लगाते हैं, प्री करते हैं और फिक्स करते हैं। अब यहाँ पे जो है सुफिक्स, सुफिक्स का मतलब होता है हमारा जो वर्ड होगा उसके बाद में हम उसको फिक्स करेंगे, यानी सस्पेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे IS या IZE दोनों का मीनिंग सेम होता है, कई जगह पे IZE होता है, कई जगह ISE होता है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मीनिंग सेम होगा। तो यहाँ अपोलोजाइज और अपोलोजाइज, अपोलोजी प्लस ये लगा देंगे तो वाई हट जाएगा और ISE लग जाएगा। इस तरीके से कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं एज एन एग्जांपल। देखिए इसमें हमको सब में ISE या IZE लगा देना है ये सारे वर्ड्स में। फिर यहाँ पे EN वाले वर्ड्स हैं कि ब्राइट में हम EN लगा दें ब्राइटन, डार्क में डार्कन, इस तरीके से EN लगाकर ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है FYFY लगाना है, तो डिग्निटी का हो जाएगा डिग्निफाई, TY हट के FY, ग्लोरी का ग्लोरीफाई, सिंपल का सिंप्लीफाई। इस तरीके से यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं उसी तरह के यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स दिए हैं। फिर लास्ट में अदर वर्ड्स, अब अदर वर्ड्स यानी कुछ और जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कंपनी का एकंपनी, ब्लड का ब्लीड, क्लोथ का क्लोथ, ब्रीथ का ब्रीथ, बात का बात। अब इन सब वर्ड में आप क्या देख रहे हैं, लास्ट में खाली ई लगा हुआ है। अब थ्रोन में आ गया डी थ्रोन। इस तरीके से कुछ ऐसे अदर वर्ड्स होते हैं जिनको हम कई वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं या उनका फॉर्मेशन चेंज किया जा सकता है। इसी के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि आगे आपका ज़्यादातर एक्सरसाइज दिया हुआ है। चलिए अब इस वाले पेज में भी ये ऊपर कॉलम दिया हुआ है, ये सुफिक्स हैं। सुफिक्स मतलब अदर वर्ड्स जो फाइन के साथ, जैसे यहाँ पे रिफाइन हो गया है, तो ये सुफिक्स मतलब अदर वर्ड्स। अब हमने क्या किया, सुफिक्सेस यानी पीछे ऐड नहीं किया, ये वाले क्या बनेंगे हमारे, ये प्रीफिक्स बनेंगे क्योंकि हमने इसमें वर्ड्स के आगे लगाया, फाइन को रिफाइन किया है, प्रिजन को इम्प्रिजन किया है, टेल को टेल किया है, फ्रेश को रीफ्रेश किया है। तो ये हो गया प्रीफिक्सेस। तो मतलब अलग अलग वर्ड हैं जिनको हम किसी भी तरह से उसका फॉर्मेशन चेंज करते हैं। कस्टम को हमने अकस्टम किया है, फूड को फीड किया है, सेल को सेल, प्रपोजल को प्रपोज, इसी तरह। तो ये सारे एग्जांपल जितने भी दिए हुए हैं पेज नंबर 56, आपको 55, 56 एंड 57, इसमें सारी की सारी चीज़ें जो भी दी हुई हैं कॉलम वाइज वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। उसके बाद दिया है एक्सरसाइज जी, एक्सरसाइज एच, एक्सरसाइज आई एंड एक्सरसाइज जे। तो ये सब हम आपको PDF थ्रू भेज देंगे, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। सॉरी, ये नोटबुक में नहीं लिखेंगे, टेक्स्ट बुक में लिखेंगे, जो कॉलम दिया हुआ है पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का वो लिखेंगे। एंड सुफिक्स एंड प्रीफिक्सेस वाले जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और वीक वर्ब्स का कॉलम है वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। थैंक यू।